आज की सूडियो में हम बात करने वाले कि फ्री फायर में सर्वर चेंज कैसे करना है। यदि आप लोग इंडियन सर्वर में हो तो ब्राजील सर्वर में कैसे जा सकती हो, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ज्यादा मैं आपको इस वीडियो में ब्राजील सर्वर पर फोकस करूंगा क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता नहीं कि जो ब्राजील सर्वर में होते हैं सारे कुछ फ्री का मिलता है। जितने भी रेयर आइटम होते हैं, जितने भी रेयर बंडल्स वगैरह होते हैं, सारे लगभग आपको मैजिक की वाले सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ कुछ मिशन को कंप्लीट करने के बाद ये सारा जो यहाँ पे जो चेयर वाला इमोट है, टी वाला इमोट है, सारा कुछ आपको मिशन कंप्लीट करने पर मिलता है। मीन्स यहाँ पे ब्राजील सर्वर काफी सस्ता है, ठीक है। तो यदि आप लोग भी ब्राजील सर्वर में ट्रांसफर करना चाहते हो, ब्राजील सर्वर में जाकर के फ्री फायर को खेलना चाहते हो तो कैसे खेल सकते हो, इस वीडियो में आपको सारा स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट वॉच करना, नहीं तो आपका जो फ्री फायर इंडिया का आईडी है ना वो भी आप लोग खो सकते हो, आपका ये भी बैन हो सकते हैं। बस आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना, आप लोग बहुत ही आसानी से ब्राजील सर्वर में जा सकती हो। तो मैं आप सभी को वीडियो में आगे बताऊं उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वीडियो पर पहली बार इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ये जो हमारा आईडी है वो किस सर्वर से है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो रीजन है इंडिया, ठीक है। मैं इस आईडी को यहाँ पे ब्राजील सर्वर में ले जाना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट यहाँ पे लॉग आउट कर लेना है। मैं यहाँ पे लॉग आउट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लॉग इन नहीं करना है। सबसे पहले आपके पास एक फ्रेश आईडी होना चाहिए, मान लो यहाँ पे जीमेल आईडी है या फिर फेसबुक आईडी है, ट्विटर आईडी है, जो भी आईडी है आपके पास यहाँ पे एक बिल्कुल फ्रेश आईडी होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक ईमेल को क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे अगला स्टेप बता देता हूँ। फर्स्ट आपको एक न्यू ईमेल को क्रिएट करना होगा। तो जैसे आप लोग न्यू ईमेल को क्रिएट करोगे उसके बाद आप यहाँ पे क्या करना है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग पूरा ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर आप लोग को जो न्यू ईमेल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट अकाउंट वाले पे क्लिक करना है। पर्सनल के लिए यूज कर रहे हो तो पर्सनल वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देना है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकती हो, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, अब मुझे यहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ सेलेक्ट करना होगा जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकती हो। तो जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक क्रिएट करना है एक जीमेल अकाउंट को। लिटरली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा न्यू ईमेल आईडी क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे अपनी आईडी को लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हो मेरा न्यू ईमेल क्रिएट हो चुका है जो कि अभी के अभी हुआ है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप लोग न्यू आईडी को क्रिएट करते हो, अब आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में आना है, यहाँ पे सर्च करना है ब्राजील वीपीएन, ठीक है। जैसे आप लोग सर्च करोगे यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं आपको यहाँ पे वीडियो को स्किप ना करके पूरा यहाँ पे लाइन बाय लाइन दिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको जो ओपन कर लेना है, जैसे आप लोग ओपन करोगे यहाँ पे आपको ब्राजील वीपीएन के नाम से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लॉडिंग कंप्लीट होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये लॉडिंग प्लीज वेट लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे लॉडिंग जैसे कंप्लीट होता है, मैं आपको यहाँ पे आगे दिखा देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो ब्राजील सर्वर ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कनेक्ट टू सेलेक्ट वीपीएन पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप लोग यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक करोगे यहाँ पे कनेक्टिंग ये हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे डिसकनेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे कनेक्ट वाले पे जैसे क्लिक करोगे कनेक्टिंग हो जाएगा। अब आपको जाकर के फ्री फायर में जो अपना न्यू आईडी को लॉगिन करना है, आपको यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आ चुका है। तो जो भी आपका न्यू आईडी ना उसी आईडी को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। मान लो मैं यहाँ पे जीमेल अकाउंट न्यू बनाया हूँ तो उसको मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। और जैसे यहाँ पे मेरे लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकती हो ये कौन सा सर्वर से कनेक्ट हुआ, यहाँ पे लिटरली आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो लॉगिन हो चुका है, अब मैं यहाँ पे न्यू आईडी में क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे इंडिया सर्वर में आप लोग करते हो ना, सारा कुछ आपको इसी तरह यहाँ पे कर लेना। अब यहाँ पे लेट्स गो वाले पे जैसे क्लिक करता हूँ, मेरे ये फ्री फायर लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरा यहाँ पे जो आईडी है वो किससे लॉगिन है, किस सर्वर से यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा ये आईडी है यहाँ पे ब्राजील सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप लोग को करना है, आप लोग का जो भी आईडी है यहाँ पे ब्राजील सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप सभी को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बोले बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।